अस्सलाम वालेकुम, यह है एक्सपो सेंटर कराची, जहां पर लगी हुई है एग्जीबिशन डाची के नाम से। डाची आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एग्जीबिशन है। 4th और 5th नवंबर इसके डेट है और इसकी टाइमिंग्स हैं 10 बजे सुबह से रात के 8 बजे तक। चलें अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉल्स लगे हुए हैं और वहां पर क्या क्या सेल हो रहा है। एंट्रेंस के बाद जो है वो यहाँ पर हैं सारे स्टॉल्स खाने पीने के, यानी आइसक्रीम, शोरमा, चिकन रोल, कबाब, एवरीथिंग इज हियर। भाई यहाँ पे तो बैठने का इंतज़ाम है, आप यहाँ पे बैठ के बातें भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। यहाँ से टिकट भी लेना है तो टिकट के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। कराची एक्सपो सेंटर में हॉल नंबर 6 में डाची आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की एग्जीबिशन का अहतमाम किया गया है। यहाँ पर तकरीबन 200 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की हर तरह की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं, चाहे वो घर में सजाने की हो, चाहे वो पहनने के कपड़े हों, एम्ब्रॉयडर्ड हों, प्लेन हों, फ्लावर्स हों, शादी ब्याह के भी कपड़े नज़र आए। इसके अलावा सवाल से लोग भी आए हुए थे, लावा शो पीसेस हैं, मिरर्स हैं, इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं कि घर में सजाने की, रखने की बहुत सारी चीज़ें नज़र आई हैं मुझे यहाँ पर। हर तरह के स्टॉल्स हैं, मज़ीद भी मैं आपको स्टॉल्स दिखा रही अभी। यहाँ पर बच्चों के लिए पपेट शो का भी इंतज़ाम किया गया है, जो कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में पपेट शो होगा। और एंट्रेंस पे तो मैंने आपको बता दिया कि एंट्रेंस पे जो है वो 300 आपको टिकट एक बंदे की जो है वो पे करनी पड़ेगी। ये सारा बच्चों का काम है, फील्ड वर्क है। पहले बच्चों को मंथली ट्रेनिंग दी जाती है, आपका जो उनका काम होता है तरह से वर्कशॉप पे ट्रेन किया जाता है। अब जैसे कि ये वाला काम है सिरेमिक काम, ये हमारा इजिप्शियन आर्ट से और हमारा इंडस वैली का जो लकीली सिंध में अवेलेबल हमारे पास लोकेटेड है उससे इंस्पायर होकर ये काम किया जा रहा है। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और इजिप्शियन आर्ट है और इजिप्शियन और अगर यहाँ से कोई बाय करता है तो डायरेक्टली बच्चों के लिए चैरिटी में जाएगा। अच्छा, बच्चों के लिए यहाँ से चैरिटी जाती है, बच्चों की एजुकेशन के लिए और वो लीनो पर लाइनों पर। इसके क्या प्राइस है इस बॉक्स के? 600 और ये भी 600 का है। ये दुपट्टा है, क्या प्राइस है दुपट्टे की? 15,000 मैं यही कह रही थी, ये 100 पैंट में गया सही। और ये शर्ट्स की हैंडमेड है ना, 4,000 ईच। सारे चांदी है क्या? जब भी तो चमक रहा है ये। इसकी क्या प्राइस है? 46,000 का पड़ेगा। और ये प्योर है ना, प्योर चांदी, 46,000। हैंडमेड, इसके क्या फिर इसके भी बाय वेट है, अबव 46 से अबव ही पड़ेगा है ना सर? जबरदस्त हो गया भाई। इसकी क्या प्राइस है?
इसकी क्या प्राइस है ये जो पिंक वाला है? वालेकुम सलाम, 20% ऑफ है डाची के लिए। अच्छा, डाची के लिए 20% ऑफ है कि इसकी टोटल प्राइस क्या पड़ेगी, मुझे कॉस्ट क्या पड़ेगी? जाएगी 7500 का जी, आफ्टर डिस्काउंट। या यहाँ पर कैनल्स अवेलेबल हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर की ना फ्रेगरेंस आ रही है। एक मैंने चेक किया तो उसमें से कॉफ़ी की फ्रेगरेंस थी, और एक चेक किया तो उसमें स्ट्रॉबेरी की थी। क्या है ये दुपट्टे हैं? ये सिंगल शर्ट, सिंगल शर्ट पीस है। क्या प्राइस इसकी? 1500 का है। मुझे टू पीस अगर हो तो, टू पीस में क्या है? टू पीस में ये है, ये गोल्ड वाला है, ये 4000 है और ये 3000 का। अच्छा, फर्क क्या होगा दोनों में? ये गोल्ड का काम हुआ है इसमें और ये सिंपल है। ये सिंपल है तो ये इसके क्या प्राइस है? ये 3000 है। 3000 है, ये 4000 है। तो जो एम्ब्रॉयडर्ड है वो दिखाओ, जिसमें मतलब कढ़ाई वगैरह है। कढ़ाई वगैरह, कढ़ाई वाला ये भी गोल्ड वाला है, लेकिन इसमें शर्ट और ट्राउजर है, और जो ये वाला है ये शर्ट और दुपट्टा है। ठीक, इसके क्या प्राइस है? इसके भी 4000 है। पर वो शर्ट, ये टू पीस है और ये दुपट्टा और कमीज है जी, है ना? क्या प्राइस है ये? 3000। 3000 का है। प्रिंट भी खास से हुआ है इसका, और ये सारा इसमें जो डिटेल है ये सारा और 7 yards का खेल है। ठीक, और ये सारा हैंड प्रिंटेड है। इसकी क्या प्राइस है? ये कौन सा कपड़ा है? ऑर्गेंजा है। ये अनस्टिच ही लग रहे हैं मुझे, और ये टू पीस थ्री पीस साड़ीज हैं। प्राइस क्या पड़ेगी भाई एक साड़ी की? 8800 की। अच्छा, साड़ी का इनाम भी यही है। और इस तरफ जो साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये जैसे ये है 6500, ये 6500 के। और ये जो आर्ट गैलरी बनाई हुई है, ये समाज से आए हैं लोग। इस बॉक्स की क्या प्राइस है? 2000 का। और इसकी? ये 1500 का है। और खुद से? हाँ जी, खुद से की क्या प्राइस है? ये वाला जो है, ये भी 2000 का है। 2000 का है। और ये जो ये चीजें, ये क्या है? 1000 के 6 पीस। ठीक, 1000 के 6 पीस है। सिटी की क्या प्राइस है? 40000 का है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये इसकी क्या प्राइस है? ये दुपट्टा है जी, नहीं शॉल है। ये शॉल है। क्या प्राइस है इसकी? 30000 यानी 30000। वेलवेट पे है और ये पूरा इस तरह से काम किया हुआ है। सही। इसके अलावा ये क्या है? दुपट्टा है। ये दुपट्टा है। कहाँ से आए हो भैया? हैदराबाद से। हैदराबाद से आए हैं। अच्छा, ये बताओ मुझे, ये भी दुपट्टा है, ये प्लेन है? नहीं, ये भी दुपट्टा है, ये प्लेन में वो काम हुआ है। हाँ, वो काम किया हुआ है, इसलिए महंगा है। तो ये जो प्लेन है, ये दुपट्टा है, इसकी क्या प्राइस है? 7000 का है। 20000 ये लोन का है। ये लोन का है। ये लोन की क्या प्राइस है? खाली शर्ट है। ठीक है, ये शर्ट है जी। तो इसकी क्या प्राइस है? 5000 प्राइस। 5000 है। ठीक है जी। इन तीनों, इन तीनों की ये 5000 के। ये तो टू पीस है जी, इसका 10000 का है। 10000 का है, लेकिन ये थ्री पीस है। और ये जो वाइट है, इनके क्या प्राइस है? शलवार है, 4000 का है। शलवार है और 4000 की इसकी प्राइस है। और इस तरह से ये सारी शलवारों की 4000 है जी। ये दुपट्टे हैं, 5000 का है। ये बैग की क्या प्राइस है भाई?
ये वाला 2000 का है, ये कलर अच्छा, ये 1500 है, ये 2000 का है, ये कढ़ाई वाली चीज़, ये क्या है, शॉल है, दुपट्टा और शर्ट है, ये सारी शॉल्स हैं, ये भी शॉल्स हैं, स्टाइल ये जैसे चादर पहनते हैं, मेरे पास घाघरा चोली भी है, सिली हुई है क्या, ये स्टिच है, स्टिच है, क्या प्राइस है इसकी घाघरा चोली की, ये टू पीस आपको मिल जाएगा 5500 का, ये शलवार कमीज है, इसके क्या प्राइस है, ये 3500 का, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कब होगा पता नहीं, इसकी क्या प्राइस है वैसे, सब ठीक हो जाएगा, 5000 लगा लगा के रखो भाई अपने अपने घरों में ताकि सब ठीक हो जाए। मिरर की क्या प्राइस है, लिखे हुए वैसे 6000 एंड दिस वन इज फॉर 5000। इसकी क्या प्राइस है भैया, 300 क्या प्राइस है इसकी, 1100 ये पूरा ना खोलो बस मुझे 1100 है, लकड़ी का ही लेके है ना, और उससे पहले ये जो छोटा वाला बॉक्स है जो खुला हुआ है वो दिखा दे, ब्लू वाला, हाँ 900 का। सही, कहाँ से आए हैं ये, कहाँ का सामान है, ऑर्गेनाइजेशन सखर से आए, राइट साइड वाली दिन 7500। एक बात बताएं, ये पैसे उन तक पहुँचेंगे भी, ये 100% 100% पहुँचेंगे, क्योंकि इसके अलावा एक्स्ट्रा भी खर्चे होते हैं, उनके घर पे जाके प्रोडक्ट लाना देना, पेमेंट तक पहुँचाना, सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो पेमेंट है ये पूरे उनके पास पेमेंट के पास जाएगी, जो लेबर है वो ऑलरेडी पेड है, वो भी जब सेल होगी वो डिस्पर्स हो जाएगा, हम उनको क्रेडिट पे बनवा के ला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन खुद ऑन करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, डिजाइन प्रोवाइड करती है कि कौन से डिजाइन कराची लाओ इस्लामाबाद में सेल आउट हो सके, और देन जो उसकी लेबर उनसे डिसाइड होती है वो भी लेबर हम उनको पे करते हैं, तो इस वक्त अब जो ये प्रॉपर्टी है वो SRSO की है, ये सेल हो ना हो ये बोझ SRSO बर्दाश्त कर रही है, लेकिन जब भी ये सेल आउट होंगे तो इसका जो भी प्रॉफिट 10% है वो भी फिर हम उनको डिस्पर्स करते हैं थ्रू आवर प्रॉपर सॉफ्टवेयर सिस्टम। अच्छा, इस बॉक्स की ज्वेलरी बॉक्स है ना ये, इसकी क्या प्राइस है, ये कटलरी बॉक्स है भाई, अच्छा कटलरी बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स भी कर सकते हैं, कटलरी बॉक्स है, आपकी मर्जी से सवाल करें, प्राइस क्या है इसकी, ये 3500 की भाई, 3500, और ये जो मग्स है ये 1000 पीस का एक है, 1000 का एक है, और ये टिश्यू बॉक्स 3000 का एक है, ये 3000 का एक है, ये क्या ट्रेस है, ये फजल पोस्टर है, अच्छा ये क्या प्राइस है, ये 1500 का भाई, 1500 का प्राइस क्या है, ये 2000 की है, ये 2000 की है, आप तो कराची से आए, कहाँ पर है, कौन सा मटेरियल है ट्रेस का, रीजन है, रीजन है, रीजन है, ईच ट्रे प्राइस 3500, ठीक 5000 जो बड़ा वाला वाज है इसके क्या प्राइस है, बड़ा वाला वाज के क्या प्राइस है बेटा, 30000 ओके भाई, एक ही प्राइस मैंने पता की है तो अब उससे अंदाजा लगा ले बाकियों की क्या प्राइस होगी,
ये वाली इसके क्या प्राइस है? 5,000 की है। कहाँ का है सामान? सवात से आए हैं आप लोग, देखें भाई सवात से भी आए हैं। ये सारा सामान सवात से लेके आया? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इसके क्या प्राइस है बॉल हैंगिंग के वाइट वाले की? 1250 का है। सही। और ये जो ये है इसके क्या प्राइस है? 1850 का है। अच्छा, उनको पता होगा। आप इस टैग जरूर करिएगा। सारा न्यू स्टॉक है फॉर लाइक 2000 और लेसर। अगर वो बोलेगा हाँ बहुत अच्छे रिसेप्शन। आप कहाँ से हैं? जरूर इसकी प्राइस क्या है फिर? इसके भी 2000 है। सुबह वाली डाची हमने 3000 रखा है, अदरवाइज हमारी जाती 42 तक की लाइफ। 42 की जाती है। वहाँ पे क्यों लिखा है एनी प्रोडक्ट जस्ट की? इस टेबल पर है, इस टेबल पर है। यहाँ सारे थोड़े से एलीट प्रोडक्ट्स हैं। और ये हमारे जो एक्रेलिक वाले ना प्रीमियम है, मतलब इतना मोटा एक्रेलिक इसमें यूज हुआ हुआ है। और ये हमारे मतलब रनिंग आइटम, ये सारे रनिंग आइटम ठीक है हमने यहाँ पे सेल। आप कह रही हैं कि ट्रे जो है वो वाटर रेजिस्टेंट है? हीट एंड वाटर रेजिस्टेंट, हीट भी। देन एक और आपका प्रोडक्ट दिखाती हूं व्हिच इज आवर सोफा आर्मरेस्ट। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हैं, उसको बेड पे रखें, आप जो लेजी है वो सोफा पे रख के अपना नाश्ता कर सकते हैं ताकि स्पिल ना हो। अच्छा ठीक है, ये बेड पे रखे। हाँ ओके। इसके क्या प्राइस है? ये 2500 फॉर डाची ओनली। सही, अदरवाइज इट्स 40,000। ठीक है, अब बहुत सारी जगह पे हम स्टॉक करते हैं, लाइक प्लाजा हो गया, फिर आप इंसाम्बल देख लें, स्प्रिंग्स बुखारी देख लें, ना ही चले जाएं आप तो हर इलाके में आपने जहाँ अफोर्डेबिलिटी के साथ आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी हैं, ये हुज़ा से अल्पाइन, हुज़ा अल्पाइन भी यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, हर तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब शहर भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी पता करते हैं, ये प्योर हनी है भाई। इसके क्या प्राइस है? 1800। अभी यहाँ पे फिर से शो पीस के स्टॉल नज़र आ गए हैं, मुझे बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें रखी हुई हैं, प्यारी प्यारी सी। ये जो साड़ी है प्यारी सी, इसकी क्या प्राइस है? 70,000। पूरी स्टिच है, अनस्टिच्ड है, अनस्टिच्ड है, 70,000। इसके क्या प्राइस है ब्लू वाले के? 16,000। ये
ये अजरक है ना, अजरक अजरक की तरह दुपट्टा, जो थोड़ा कपड़ा हल्का होगा लेकिन अजरक से मोटा होगा, मोटा नहीं होगा, मतलब मोटा नहीं होगा, अजरक मोटा होगा। क्या प्राइस है एक दुपट्टे की? 1500 रुपए। जी ये इस पाउच की क्या प्राइस है? 2500। 3500 भाई। क्या प्राइस है? ये 2 पीस है और 3000 का है, सेल है ये इस पे। और ये पिंक पीच वाला सर ये 3000 का है, 3 पीस है और 3000 की।